अगला टॉपिक हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें क्या होता है कि दो आवेश r दूरी पर स्थित होते हैं। दो बिंदु हमारे पास क्रम से A और B, दो बिंदु हैं A और B, माना बिंदु A और B पर क्रम से आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू स्थित है, जिनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है वह हमारे पास कितनी, r। तब कूलाम का नियम हमने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम आपको बताया था। कूलाम का नियम होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r2। इसके अनुसार इस चित्र का इस फॉर्मूला होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0 q q0/r2। परंतु वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0, अर्थात F की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0/r2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q0/r2। क्यू नॉट हमारे सूत्र में पहले से ही है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हट जाएगा तो बचा हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2। इस वाले हमारे पास फॉर्मूले पर एनसीईआरटी बुक में दो अंक के प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम आगे हल करेंगे।